खबरों में बात करेंगे हल्द्वानी की, जहां पर डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम राज्य स्तरीय विज्ञान गणित एवं पर्यावरण महोत्सव का शुभारंभ हुआ है। इसका आयोजन खालसा नेशनल बालिका इंटर कॉलेज में दीप प्रज्वलित करने के साथ हुआ है और इस प्रतियोगिता में 13 जनपदों के तकरीबन 450 छात्र प्रतिभाग कर रहे हैं। इस दौरान विभिन्न विद्यालयों से पहुंचे बाल वैज्ञानिकों ने अपने नवाचारी मॉडलों के साथ यहां पहुंचे हैं। अतिथियों ने बाल वैज्ञानिकों के मॉडल और प्रोजेक्ट की सराहना कर उनका हौसला अफजाई किया है। स्कूल के अलग अलग कमरों में बुधवार को छात्र छात्राओं ने अपने बनाए मॉडलों को की प्रदर्शनी लगाई है, साथ ही मॉडलों के बारे में भी जानकारी दी है। इस दौरान विज्ञान ड्रामा के मुख्य विषय मानव जाति कल्याण के लिए विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी तहत जिला चमोली की टीम ने कोविड-19 महामारी सामाजिक एवं वैज्ञानिक मुद्दे पर अपनी प्रस्तुति दी है। अल्मोड़ा और देहरादून की टीम ने टीकाकरण की कहानी उप विषय पर ड्रामा भी पेश किया है। हल्द्वानी से दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। देखिए, बच्चों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित करने के लिए ये NCERT के माध्यम से जो स्कूल राज्य में NCERT आयोजित करता है, हम लोग विद्यालयों में, फिर ब्लॉक में, ब्लॉक के बाद फिर जनपद में और फिर राज्य में इसका प्रायोजित करते हैं। अब्दुल कलाम विज्ञान एवं पर्यावरण महोत्सव में इसमें हमारे 13 जनपदों के लगभग 450 के आसपास प्रतिभागी इसमें प्रतिभाग कर रहे हैं और इस प्रतियोगिता के 6 विषय हैं। इसमें पर्यावरण भी शामिल है और विज्ञान और उसके उपवर्ग के जो विषय हैं उसमें सारे विषय जो है उसमें सम्मिलित हैं। और जो मतलब हम इसलिए आए हैं कि जो हमारे वहाँ की बहुत ही प्यारी स्थिति है, हम उसको बताने के लिए आए हैं कि हमारे यहाँ पे इस चीज़ की बहुत कमी है, इसलिए हम यहाँ पे आए हैं। इसका नाम है GS सुपर मिसाइल, यानी गणेश सूर्य सुपर मिसाइल। इनका गणेश नाम है और मेरा सूर्य सुपर मिसाइल। तो हमने ये मिसाइल बना रखी है, जैसे मिसाइल हमारी क्या होती है, तो बैलिस्टिक मिसाइल होती है, तो क्रूज मिसाइल होती है। जो हमने मिसाइल बना रखी है वो बैलिस्टिक के साथ क्रूज मिसाइल भी है और हमारा ये दावा है कि जो ये मिसाइल बनेगी ये मील का पत्थर साबित होगी।